भी बारिश शोलों ने बढ़ाई ठिठुरान। सीजन में पहली बार भोपाल से ठंडा इंदौर, 10 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने जोर पकड़ लिया। सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा भोपाल से नीचे आ गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, इंदौर में ये 8 डिग्री पर दर्ज हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी और धुंध रही। अगले कुछ घंटे में रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। धार जिले में किसान ने कम भाव मिलने पर ट्रॉली में भरी लहसुन सड़क पर फेंकी। धार जिले के दसाई के एक किसान ने कम भाव मिलने पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी लहसुन गंगा जलिया रोड पर फेंक दी। किसान का कहना है कि लहसुन के उचित भाव नहीं मिलने के कारण वो बेचना नहीं चाहता, इसलिए लहसुन फेंक रहा है। इस दौरान किसान ने सरकार को जमकर कोसा। किसान अशोक पाटीदार और सुनील पाटीदार ने बताया कि धार सहित इंदौर मंडी में भी भाव नहीं मिल रहा। लहसुन का 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है, ऐसे में लहसुन की लागत भी नहीं निकल पा रही। ऐसी स्थिति में फसल फेंकना ही उचित है। ओमिक्रॉन का हल्का इन्फेक्शन भी कर रहा है इन अंगों को डैमेज, नई स्टडी में दावा। ओमिक्रॉन को पूरी तरह में माइल्ड इन्फेक्शन यानी हल्के संक्रमण वाला वेरिएंट बताकर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसे लेकर जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने चिंता जाहिर की। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी बताती है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपना असर छोड़ जाता है फिर भले ही मरीजों में इसके लक्षण ना दिखते हो। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन में बिना लक्षण या हल्के संक्रमण के मामले ही सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर बना रही नया कानून, जानिए इसमें क्या होगा। मतांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का कानून बनाने के बाद अब शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, बाजार, सिनेमाघर आदि शामिल रहेंगे। इन्हें कम से कम 2 माह तक डेटा सुरक्षित रखना होगा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब भी इसकी मांग की जाएगी तो संस्थान इनकार नहीं करेंगे। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह अब टाटा समूह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। देश का सबसे पुराना औद्योगिक घराना टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का मुख्य स्पॉन्सर होगा। टाटा समूह आईपीएल के 2022 सीजन से चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो की जगह आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर की जगह लेगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने ये जानकारी दी। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, सभी जिले होंगे लाभान्वित। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवाओं के रोजगार के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी तैयारी की। इसके तहत आज बुधवार 12 जनवरी 2022 स्वामी विवेकानंद जयंती पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। सभी जिला मुख्यालयों पर भी रोजगार मेले लगेंगे जहां युवाओं को रोजगार के लिए शासन के विभिन्न विभागों और केंद्र शासन के संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। एमपी के स्कूल्स को बंद करने को लेकर क्या बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के स्कूल्स और छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूल्स को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा की। सभी बच्चों और पालकों के हितों को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर स्थिति गंभीर हुई तो तत्काल निर्णय लिए जाएंगे। इंदौर की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उतरे वकील। इंदौर शहर के विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बगैर किसी विधिक अनुमति के लाउड स्पीकर से की जा रही अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने संबंध में ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा। इसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। एडवोकेट मनीष गटकर ने बताया कि वकीलों के एक समूह के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संभागायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पर 300 से ज्यादा वकीलों ने हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से बिना अनुमति प्राप्त किए लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जा रही अजान और की जा रही विभिन्न घोषणाओं से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वामित्व योजना में शीर्ष पर एमपी, सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, जिलों को मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से स्वामित्व योजना में इतिहास रचा। योजना में अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश के शीर्ष स्थान पर होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की तारीफ की। इस दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के कार्य में प्रदेश में सराहनीय कार्य हुआ है। फिर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, काम होंगे प्रभावित। देश में एक बार फिर से बैंकों की हड़ताल होने वाली है। अगले महीने 4 दिन पूरी तरह से कामकाज ठप रहेगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 23 और 24 फरवरी 2022 को बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया। इस हड़ताल में देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। इस 2 दिन की हड़ताल से करीब 4 दिन का काम प्रभावित होगा। इंदौर में कार के नंबरों की नई सीरीज शुरू। 15 जनवरी से ले सकेंगे वीआईपी नंबर। वीआईपी नंबरों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। कार के नंबरों की नई सीरीज सोमवार से शुरू हो गई। MP09WL सीरीज के नंबरों को सोमवार से देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके वीआईपी नंबरों के चाह रखने वालों को 15 तारीख तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन नीलामी में वो बोली लगाकर ये नंबर खरीद सकेंगे। परिणाम की घोषणा 21 जनवरी तारीख की रात 12 बजे होगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछली सीरीज MP09WK के सारे नंबर आवंटित हो चुके हैं। नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना आप नहीं देख पाएंगे अपने पीएफ खाते का बैलेंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाता धारकों के लिए ई नॉमिनेशन जरूरी कर दिया। खाता धारक ई नॉमिनेशन के बिना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए ई नॉमिनेशन अनिवार्य है। खाता धारक अभी तक ई नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते थे। ईपीएफ खाते में ई नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है।